नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत फार्मिंग पर। मैं आर आर द्रविड आज आपको टोमेटो के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको जो दो वीडियो डाले हैं टोमेटो पर कि कैसे उसकी सीडलिंग करते हैं, किस तरीके का उसका जो ग्रोविंग मिक्सचर बनाते हैं और किस तरीके से वो जब जर्मिनेट हो जाता है तो उसके बाद फिर किस तरीके से उसको ट्रांसप्लांट करता है, उस पर मेरे दो वीडियो हैं। दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं, उस पर आपको मिल जाएगा। आज की जो खास बात यह है कि टोमेटो जो है वो दूसरों के साथ नहीं चल पाता है, उसकी मैं वजह बता देता हूँ कि पीएच के बारे में जब आप जाएंगे तो मैं जो पम्पकिन सीरीज मेरे चल रही है तो उसमें तो ये मैच कर जाता है। इसको जो पीएच चाहिए होता है 5.5 से 6.5 तक चाहिए होता है, लेकिन इसका जो टीडीएस है वो थोड़ा हाई जाता है। इसका जो टीडीएस है वो 1500 से लेकर जब मेच्योर हो जाता है, फ्रूटिंग इसकी अच्छी हो रही होती है, उस समय इसका जो 2500-3000 और कभी कभी जो हैवी वाइन्स वाले होते हैं उनको 3500 तक ही भी दिया जाता है, लेकिन वो जाड़े की सूरतों में दिया जाता है। अभी ठंडक में इसको आप 2000, गर्मी के दिनों में इसको 2000-2500, और जब ठंडक के दिन हो और जो बड़े प्लांट्स होते हैं जो बहुत ऊपर तक फैल जाते हैं 10 फीट 15 फीट तक उसके जो जाते हैं तब उसको 3500 दिया जाता है। जब छोटा प्लांट है तो आप इसको 1200 से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे बढ़ते चले जाइए और 2000 तक देखिए, क्योंकि गर्मी अधिक है, गर्मी में इसके साथ फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो अभी देखते हैं कि इसकी किस तरीके से रूट ग्रोथ चल रही है। देखिए जो सब चारों तरफ छोटी छोटी जो रूट्स हैं आ गई हैं और ये चारों तरफ आ गई हैं। मैं ये देखिए ये चारों तरफ सब कहीं कोई ब्राउन रूट नहीं है, सारी रूट्स हेल्दी हैं। अभी यही सारी रूट्स जो हैं ये बंच बना लेंगे पूरा, और जब बंच बना लेंगी तब पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू करता है। इसको थोड़ा सा सेट होने में समय लगता है। कोकोपीट में जब आपने ट्रांसप्लांट किया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रांसप्लांट करके दिखाया था, तब ये छोटा सा था, अभी ये काफ़ी बड़ा हो गया है, इसकी चारों तरफ रूट्स निकल आई हैं और ये जो है वो 3 इंच का नेट पॉट है। तो इस पर भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा कि किस तरीके किस प्लांट के लिए किस तरीके का नेट कप सही रहता है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा ऐसा रहता है कि डीप वाटर कल्चर टाइप का भी थोड़ा सा बनाया जाता है ताकि उनको रूट्स जो है उसको डायरेक्ट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डब रहे। जैसे वाटर स्पिनच की बात जब करते हैं उसमें मैं वीडियो लाऊंगा तो उसमें जो ये वाला नेटकप फिर नहीं चलता है, उसके लिए नेटकप थोड़ा लॉन्ग टाइप का चलता है जो सीधे सीधे बॉटम पर जाकर रख जाता है। और इसमें आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये दो क्या लटका हुआ है, ये विक सिस्टम है। विक सिस्टम का ये फ़ायदा रहता है कि जब पौधा आप शुरू में लगाते हैं छोटा, तो होता क्या है कि 4 इंच के पाइप में आपको 5 mm से 10 mm तक का ही एक लैमिना फ्लो कराना होता है, और अगर वो वाटर इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है कोकोपीट के कांटेक्ट में तो ये कोकोपीट सूखना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपका पौधा भी सूख जाएगा। तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसमें कॉटन की एक विक डाल देता हूँ। उससे क्या फ़ायदा रहता है कि कैपिलरी एक्शन से ये पूरा का पूरा जो है ये पानी को ये सूख लेता है। जब मेरा बीटेक हो रहा था तो मैं इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा था, मैंने गूगल किया, तमाम चीज़ें किया, फिर मुझे सोल्यूशन मिल गया हालांकि, और उससे मेरे प्लांट्स जो थे जब मैंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था तो विक सिस्टम की वजह से मेरे प्लांट बढ़िया चलने लगे थे। क्योंकि जब ये छोटा होता है आपको बचाना सिर्फ तभी है, बाद में तो ये इसकी रूट्स जो हैं वो फिर नीचे अपने आप सोल्यूशन को टच करने लगेंगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती है। प्रॉब्लम सिर्फ कब है, जब ये प्लांट छोटा है, तो इसलिए विक सिस्टम उसके लिए बेहतर रहता है। विक कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, कौन सा कपड़ा चाहिए स्पेशल, तो ये सर इस पर भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा। थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो व्यस्तता भरा रहता है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल आपको अगर इस तरीके की चीज़ें हैं कि आप टोमेटो को दूसरों के साथ रखना चाहते हैं तो आप मत रखिए, प्रॉब्लम जाएगा। इससे प्रॉब्लम क्या जाएगी कि ये ठीक ऐसा ही है कि आपने हाथी और चूहे की दोस्ती करा दी। हाथी तो बहुत ज़्यादा खाता है और चूहा बहुत थोड़ा खाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रेगुलर डाइट चला दें, एक को मरना है। ज़्यादा अगर दे दिया तो चूहा मर जाएगा, कम दे दिया तो हाथी मरेगा। ये ऐसा ही है। बाय द वे आप टोमेटो के साथ वाटर स्पिनच रख देते हैं जो नीचे लगी हुई है, उसका सोल्यूशन अलग से चलता है। अब या तो ये मरेगा न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, या तो वाटर स्पिनच मर जाएगा हाई टीडीएस की वजह से। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको सोल्यूशन अलग ही अलग रखना है। आप अगर बिगनर हैं तो एक जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, पिछले 3 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरी हाइड्रोपोनिक लाइफ का, तो मैं उसमें एक चीज़ बताऊं कि आपको अगर पम्पकिन फैमिली में कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आप करेला कीजिए।
वो आपका हडी प्लांट है, रफ एंड टफ है, मरता नहीं जल्दी से, मैंने बहुत उसके साथ अत्याचार किए, लेकिन करेला मरता नहीं आसानी से। दूसरा आप टोमेटो कीजिए, टमाटर जो आपका है ये कीजिए, ये भी आपका हार्डी प्लांट होता है, आसानी से जाता नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसका जो टोमेटो का जो अगला पार्ट आएगा वो तब आएगा जब इसकी फ्रूटिंग, या तो आपकी कोई रिक्वेस्ट है कुछ है, या कुछ स्पेशल जानना चाहते हैं इसके बारे में कि कौन सी ब्रीड सेलेक्ट करें किस तरीके का, तो उस पर भी मैं ले आऊँगा। मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि आप जब भी टोमेटो की बात नहीं है, कोई भी आप सीड सेलेक्ट करते हैं तो जो आपके लोकल एरिया में सर्वाइव करने लायक है सिर्फ आप वही सीड लीजिए। इम्पोर्टेड सीड जरूरी नहीं कि आपका चल ही जाए। दूसरी बात क्या है कि जो गवर्नमेंट संस्थान जितने भी हैं जो वो रिसर्च करके बनाते हैं, जैसा बेंगलुरु में अर्का रक्षक बना, अर्का सम्राट बना, ये टोमेटो की जो प्रजातियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा उसमें होता है, वो आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा जाएगा। इंडिया के लगभग सारे राज्यों में उसका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो ये टोमेटो की बात हो गई। इसके बाद अगर आपकी रिक्वेस्ट रहेगी तो मैं इसका अगला वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इसका अगला वीडियो मैं तब लाना पसंद करूंगा कि जब इसमें फ्रूटिंग आ रही हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर इसका एक्चुअल वर्कआउट जानना है कि किस तरीके से क्या होता है, तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको वर्कशॉप में सब कुछ, वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, इसमें आपको सब कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपको फेस टू फेस बात करने का भी मौका मिलेगा। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से रहेगा कि मेरा आपके साथ जो कनेक्टिविटी है वो, उसका बॉन्डिंग जो है वो बेटर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए, भारत फॉर्मिंग एक कदम समृद्धि की ओर।